उज्जैन जवली मार्ग पर 2 लेन की बजाय 4 लेन बनाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद आज प्रशासन ने उनसे मिलने की सहमत उठाई है। कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पीसीसी सदस्य राजकुमार गोरे और कांग्रेस युवक शहर अध्यक्ष इरफान अंसारी से मिलने सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह के साथ ही कलेक्टर और SP हड़ताल स्थल पर पहुंचे। वर्तमान सड़क को MPRDC द्वारा 10 मीटर चौड़ा करने एवं मार्ग को जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने संबंधी कार्रवाई करने के विधायक और कलेक्टर के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल समाप्त की गई। कल राजकुमार गोरे और इरफान अंसारी को MPRDC के अधिकारियों से भी कलेक्टर मिलवाएंगे। विधायक और कलेक्टर द्वारा पोषक तरह पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई गई। तो इस जिले की जनता को लाभ मिल सके, इसको नीचे करो थोड़ा। देखिए, ये केंद्र सरकार का मामला है। मैंने इस संबंध में माननीय गडकरी साहब को पत्र भी लिखा था। मेरी आज भी माननीय उनसे उटवाल साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ये 2 लेन हो रहा है और इसकी DPR भी स्वीकृत होगी और जल्दी इसको अमल में लाया जाएगा, काम शुरू हो जाएगा इसका। कहीं ऐसा तो नहीं गुटबाजी का मामला ये नहीं है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन 2 लेन स्वीकृत हो रहा है मेरी जानकारी में। और उटवाल जी ने मैंने आज भी पूछा था, मेरे हमारा एक साथी बैठे हैं भूख हड़ताल पर, आपकी सरकार है वहाँ पर, आपकी चर्चा भी हुई, डेप्यूटेशन भी गया था, तो उन्होंने बताया कि 2 लेन हो रहा है उसकी DPR से। सर, वापस मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ, क्या मानते हैं आपके कांग्रेस संगठन को इसमें? हमारे सुसनेर के विधायक जी और कलेक्टर साहब, SP साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने MPRTC से बात की है। जो ये रोड अभी वर्तमान में है उससे 1.5 गुना इस रोड को बनाया जा रहा है। ये बात सही है कि 4 लेन तो उन्होंने अभी बताया नहीं कि 4 लेन बनेगा, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस 1.5 फीट मतलब 1.5 गुना चौड़ा होने के बाद आगामी समय में इसको 4 लेन कर दिया जाएगा। और जो अभी वर्तमान में जो रोड है, सर क्या है प्रशासनिक पहलू सारी चीज़ों के बाद में? प्रशासन की प्राथमिकता तो ये है कि कम से कम अभी जो वर्तमान की समस्या है, जिसमें गड्ढे थे और उसमें चलना दुभर था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो हमारी प्राथमिकता वो थी। और उसके लिए जैसे ही बारिश खत्म हुई है, पिछले 10 दिनों से इसकी जो रिपेयर है वो युद्धस्तर पे चल रहा है और लगभग हमारे ज़िले में आधी सड़क रिपेयर हो चुकी है और अब जो उसमें लगने वाला समय वो कम लगने लगा है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, उज्जैन जाना अब थोड़ा आसान हो गया है, आगे सुसनेर की तरफ जाना आसान हो गया है, तो अब जो शेष बचा हुआ है रिपेयर, उसको हम लोग अगले 1 सप्ताह में पूरा कर लेंगे। दिवाली तक मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा, तो जो तात्कालिक जो हमारी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी और जो आगे उसको फर्दर विकसित करने का है, जैसा माने विधायक साहब ने बोला कि वो ऑलरेडी वो 10 मीटर का तकरीबन 33 फीट का चौड़ा, मतलब अभी जितना एग्जिस्टिंग जो कैरेजवे है उसे 1.5 गुना हो जाएगा वो, तो मैं समझता हूँ वही बहुत उसका सुखद अनुभव होगा। मतलब अभी जिस प्रकार के सड़क में हम ट्रैवल करते हैं, अगले 1 साल 1.5 साल बाद जब ये जो अभी DPR स्वीकृत हुई है, अगर उस ढंग का सड़क जब हम पाएंगे तो हमारे अनुभव काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और फिर आगे विकास का तो क्रम लगा ही रहता है वो आगे की। सर, मूल मांग जो है 4 लेन की है, उस पर कोई पॉजिबिलिटी बन रही है क्या? प्रशासन अपनी तरफ से कोई पहल करेगा, इस फाइल को आगे बढ़ाएगा, किस तरह की कोई चीज़ होगी? ये बड़ा तकनीकी इशू होता है जिसमें संबंधित विभाग के लोग उसकी लोड कैपेसिटी और आसपास में जो दूसरे वैकल्पिक रोड्स हैं उन सबको ध्यान में रख करके ये करते हैं, तो ये जो तकनीकी डिपार्टमेंट है वही बताए तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896677700,
7082093700 9468227222 7027551000 9050110009 JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.